प्रिय बच्चों, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, अर्थात प्लेट विवर्तन सिद्धांत। अभी तक हमने पढ़ा ज्वालामुखी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना और वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। जो भी टॉपिक हमने अभी तक पढ़े हैं उन सभी का जो हल है, उन सभी का जो मूल है वो है प्लेट विवर्तन सिद्धांत। इस एक सिद्धांत के द्वारा हम ज्वालामुखी, भूकंप, पर्वत निर्माण, महाद्वीपीय विस्थापन आदि सभी भौगोलिक क्रियाओं का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। प्लेट विवर्तन सिद्धांत ये जो शब्द है प्लेट, इस शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले शब्द का प्रयोग ये कनाडा के वैज्ञानिक हैं टूजो विल्सन। इन टूजो विल्सन ने सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया सन 1965 में। इनके अनुसार समस्त पृथ्वी विभिन्न प्लेटों में विभाजित है। भूगोलवेत्ताओं का मानना है कि संपूर्ण स्थल मंडल, जिसमें क्रस्ट और ऊपरी मेंटल जो परत है भूगोल उसकी पृथ्वी की, वो सम्मिलित है। ये समस्त स्थल मंडल 6 बड़ी प्लेट तथा 12 छोटी प्लेटों में विभाजित है। जो 6 बड़ी प्लेटें हैं उनमें प्रमुख हैं प्रशांत महासागरीय प्लेट, अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट तथा अंटार्कटिक प्लेट। इन बड़ी प्लेटों के अलावा कई छोटी भौगोलिक प्लेटें भी हैं, जिनमें प्रमुख हैं नाजका प्लेट, कैरिबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, सोमालियन प्लेट, ईरानियन प्लेट, चाइनीज प्लेट, फिलीपाइन प्लेट आदि। बच्चों, समुद्र के नीचे इन प्लेटों की जो मोटाई है वो लगभग 80 से 100 किलोमीटर तक, जबकि महाद्वीपीय भागों में इनकी मोटाई 100 किलोमीटर से अधिक पाई जाती है। ये जो भी आपने 6 बड़ी प्लेटें और कई छोटी प्लेटें पढ़ी, उनमें प्रशांत महासागरीय प्लेट सबसे बड़ी प्लेट है। प्लेट जो शब्द है, इस प्लेट का तात्पर्य है कठोर अथवा दृढ़ भूखंड। ये दृढ़ भूखंड पृथ्वी के धरातल पर लगातार तैरते रहते हैं और इन्हीं के तैरने की वजह से, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विस्थापन की वजह से, पृथ्वी के ऊपर ज्वालामुखी, भूकंप, पर्वत निर्माण, महाद्वीपीय विस्थापन आदि क्रियाएं घटित होती हैं। ये जो कठोर दृढ़ भूखंड है इन्हीं को प्लेट के नाम से जाना जाता है, भौगोलिक प्लेट अथवा प्लेट के नाम से जाना जाता है। इन भौगोलिक प्लेटों के नीचे दुर्बलता मंडल मौजूद रहता है जो अर्धद्रवित अवस्था में है, अर्थात ना तो ठोस है ना द्रव है, बीच की अवस्था में ये मौजूद है। इन प्लेटों की सीमाओं के सहारे विवर्तनिक घटनाएं, ज्वालामुखी तथा भूकंपीय क्रियाएं संपन्न होती हैं। प्लेटों की ये जो गति है, इस गति के संपूर्ण क्रम को प्लेट विवर्तनिक के नाम से जाना जाता है। तो ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड में आप देखिए उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिण अमेरिकन प्लेट, ये जो बाउंड्रीज दे रखी हैं, ये बाउंड्री विभिन्न प्लेटों को प्रदर्शित करती है। किसी भी प्लेट का तात्पर्य ये नहीं है कि वही पूरा का पूरा वो स्थलीय भाग हो अथवा पूरा का पूरा महासागरीय भाग हो। कई प्लेटें पूर्णतः महासागरीय प्लेट हैं, जैसे प्रशांत महासागरीय प्लेट,
तो कई प्लेटें पूर्णतः स्थल भाग हैं, जैसे यूरेशियन प्लेट, जबकि अधिकांश प्लेट स्थल और महासागरीय दोनों भागों से मिलकर बनी हुई। ये दूसरा मानचित्र देखिए, इसमें छोटी बड़ी सभी प्रकार की प्लेटें दिखाई गई हैं। विभिन्न प्रकार की छोटी अथवा बड़ी प्लेटें इस स्लाइड के माध्यम से प्रदर्शित की गई। भूगोल वेत्ताओं का मानना है कि सभी प्लेटें निरंतर गतिशील हैं, जिसका आधार संवहनीय धाराएं मानी जाती हैं। इसमें देखिए आप, इसके माध्यम से बताया गया है कि प्लेटें किस प्रकार से गति करती हैं। तो संवहनीय धाराओं की जो संकल्पना है वो सबसे पहले 1839 में हॉपकिंस ने प्रस्तुत की थी। प्लेट संचलन के कारण पृथ्वी की सतह का क्षेत्रफल ना घटता है ना बढ़ता है, बल्कि पूर्ववत रहता है। मध्य महासागरीय कटक के निकट सागर तली में प्रसरण द्वारा नए धरातल का निर्माण होता है, तो महासागरीय खंड के निकट धरातल का विनाश होने से संतुलन बना रहता है। तो इस प्रकार से ये जो स्लाइड में ये एक जल में पानी भरा हुआ है और उस पानी के नीचे हीट दी गई है, ऊष्मा दी गई है, इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि जब भी किसी भी स्थान पर, चाहे वो जल हो चाहे भूमि हो, किसी भी स्थान पर तापमान में जब अंतर महसूस होता है या तापमान में जब अंतर नोटिस किया जाता है, तब उस तापमान के अंतर को दूर करने के लिए एक विशेष विधि के द्वारा संवहनीय धाराएं वहां पर चलती हैं। जिस प्रकार से इस जल में ये संवहनीय धाराएं दिखाई गई हैं लाल एरो के माध्यम से, उसी प्रकार से ये बगल के चित्र में पृथ्वी के अंदर भी जब तापमान में विविधता होती है, तापमान में अंतर पाए जाते हैं, तो उस तापमान के अंतर को दूर करने के लिए विशेष विधि के द्वारा संवहनीय धाराएं एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलने लगती हैं। और इन संवहनीय धाराओं के ऊपर जो भूप्लेट मौजूद होती है, उस भूप्लेट में संवहनीय धाराओं की दिशा में ही संचलन होने लगता है। इस प्रकार से प्लेटों के तीन प्रकार के किनारे उत्पन्न होते हैं, बनने लगते हैं। जो पहला किनारा है उसे रचनात्मक किनारे के नाम से जाना जाता है, दूसरा है विनाशात्मक किनारा और तीसरा है संरक्षी किनारा। तो तीन प्रकार के किनारे भूप्लेटों के साथ पाए जाते हैं, रचनात्मक, विनाशात्मक तथा संरक्षी किनारा। किनारों के बारे में हम चर्चा आगे आने वाली स्लाइड में करेंगे। अभी आप देखिए कि किस प्रकार से प्लेट विवर्तन के द्वारा महाद्वीपों का विस्थापन यहाँ पर समझाया गया है। इन चित्रों के माध्यम से देखिए, ये देखिए इस चित्र में, ये जो पहला चित्र है इसमें 200 मिलियन वर्ष पूर्व की स्थिति को दिखाया गया है, दूसरे चित्र में 135 मिलियन वर्ष पूर्व की स्थिति को दिखाया गया है, जब पहले वाले चित्र में पूरा का पूरा जो ए वाला भाग है, फिगर ए, इसमें संपूर्ण स्थलखंड आपस में एक दूसरे से जुड़कर पेंजिया के रूप में आपको नजर आ रहे हैं। दूसरे चित्र में जो पेंजिया था, वो पेंजिया अब दो भागों में विभाजित हो गया है, उत्तरी भाग अंगारा लैंड के नाम से और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। और इन दोनों के मध्य में ये जो सागर की उत्पत्ति हुई है, इस सागर का नाम रखा है भूगोलवेत्ताओं ने टैथिस सागर।
135 मिलियन वर्ष के पूर्व किस प्रकार की स्थिति थी? जोरासिक काल में और क्रेटेशियस युग में, जो 65 मिलियन वर्ष पूर्व की स्थिति दिखा रही है वो ये है, जब ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, भूमध्य सागर की उत्पत्ति होने लग गई है और भारतीय प्लेट अभी भी एशिया से नहीं टकराई है, जुड़ी हुई नहीं है। और ये जो फिगर डी है, इस फिगर डी में वर्तमान स्थिति को दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से महाद्वीपों का लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विस्थापन जारी है, संवहनीय धाराओं की वजह से धरातल के ऊपर मौजूद प्लेटें लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर संचलन करती रहती है। इस चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, इसमें गोंडवानालैंड को प्रदर्शित किया गया है। गोंडवानालैंड अर्थात जो दक्षिणी महाद्वीप थे, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और प्रायद्वीपीय भारत, इन सभी का विस्थापन 100 मिलियन वर्ष से दिखाया गया है, 200 मिलियन वर्ष से, सॉरी। तो 200 मिलियन वर्ष पूर्व की स्थिति क्या थी, उसके बाद 180 मिलियन वर्ष पूर्व, फिर धीरे धीरे देखिए समय के साथ साथ सभी महाद्वीप एक दूसरे से दूर की ओर सरकने लग गए हैं। भारत भी लगभग 100 मिलियन वर्ष पूर्व, देखो इस चौथे चित्र में, 100 मिलियन वर्ष पूर्व भारत ने अपना विस्थापन प्रारंभ कर दिया। 60 मिलियन वर्ष पूर्व लगभग बीच की स्थिति में भारत यहाँ पर आ पहुंचा है, और यह आज की स्थिति है जब सभी गोंडवानालैंड के जितने भी ये हिस्से हैं ये सभी वर्तमान स्थिति में मौजूद हैं। प्लेटों के किनारों के बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में केवल इतना ही। धन्यवाद।